अंडाल के श्याम सुंदरपुर कोलियरी स्थित दुर्गा मंदिर मैदान में गुरुवार के शाम जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के भाषण से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आसनसोल लोकसभा सीट से भाजपा फिर बाबुल सुप्रियो को मौका देने जा रही है। दिलीप घोष ने कहा कि दीदी में दम है तो आगामी लोकसभा चुनाव में आसनसोल सीट से खुद खड़ी होकर बाबुल सुप्रियो से मुकाबला करके दिखाएं। देखिए, बहुत डायलॉग हमने सुना है, इसके पहले भी देश में 22 राज्य में हमने जीता है, वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े नेता थे, आज उनका आवाज़ नहीं आता, उनका फोटो नहीं छपता, आप भी उसके पास इंटरव्यू लेने नहीं जाते हैं। तो पावर में आने के बाद सत्ता का जो जोश चढ़ जाता है ना, नशा, ये एक अलग चीज़ होती है। तो सत्ता ऐसी चीज़ है जो जिसका ऊपर चढ़ जाता है ना, क्या क्या बोलता है उसको खुद को मालूम नहीं है। CPM के लोग यहाँ थे, क्या क्या बोलते वो हम भूले नहीं हैं। तो इतिहास सबको सिखाएगा, हम उसमें पढ़ नहीं रहे हैं, तो उसका जवाब पब्लिक देगी। डेमोक्रेसी में हर पार्टी, हर व्यक्ति का स्वतंत्रता है, वो अपना बात बोल सके। सरकार का जिम्मेदारी उसकी व्यवस्था करे और आराम से हो। अगर आपकी बात में दम है, आपका काम ठीक है, लोग आपको समर्थन करें। डरना क्यों है, आप अच्छा काम करें, आप तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लोगों का पर भरोसा रखो, लोग समय पर जवाब ठीक देंगे। खून खराबी बंद करें, कोयला चोरी बंद करें, उन्हीं की खोल कीर्तन करें, हरिनाम करें, बीरभूमे शांति आसबे और বাংলায়ও শান্তি আসবে। কারণ সবচেয়ে বেশি খুনোখুনি বীরভূমে হচ্ছে। এই যে খুনের রক্ত তাদের হাতে লেগে আছে, যে পাপ করেছেন, পরিণামের ফলে তার কাছে কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে। যেমন আজকে মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন মতুয়া সমাজের বড়মার জন্মতিথি পালন করতে। 100 বছর আমরা জানি যে শতাব্দী হয়, ওই 98 বছরের জন্মতিথি পালন, এটা আমরা প্রথমবার দেখলাম। যেমন পিতৃপক্ষে দুর্গা পুজো উদ্বোধন করতে প্রথমবার দেখলাম। কালী পূজার 1 সপ্তাহ আগের থেকে কালী পুজো উদ্বোধন হয়ে যাচ্ছে। বিসর্জন কবে সেটাও ঠিক করে দিচ্ছেন, বড় মা জন্মতিথি কবে সেটা উনি ঠিক করে দেবেন। রাজনীতি কত দূর যাবে? তো আমার মনে হয় এগুলোকে দূরে রাখা উচিত। সমাজকে ধ্বংস করার অধিকার কারো নাই, মতুয়া সমাজকে অপমান করার অধিকার কারো নাই।